जैन दोस्तों, मैं समीर यदुवंशी कल वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भी है भाई पत्थर हुरू की सरदार और हुस्ने पाकिस्तान मल्लिका जहान सरदार हुरे मोहब्बत हिंदुस्तान का ही मिस सनाम का। तो भाई पब्लिक के बीच में गई हैं पूछने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान के किसी बंदे ने शायद किसी ने भी शायद ये बोल दिया कि पाकिस्तान टूट के वापस इंडिया में मिल जाएगा। तो इस पे भाई पाकिस्तान की जाहिल अवाम क्या कहती है, लेकिन स्पेशली मैं एक ऐसे टीचर से मिलाना चाहूँगा कि जिसके दिमाग में सिर्फ पता नहीं क्या चलता है, पता नहीं इसने कौन सा नशा सूंघ लिया है या किसी बकरी की मींगड़ी खा ली है कि इसको उसका इतना तगड़ा नशा हो चुका है कि पूछने पे कुछ जवाब कुछ मिलते हैं। तो भाई शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबाना मत भूले, ऐसे ही इनका पिछवाड़ा जलाऊं वीडियो के लिए। तो किस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इनकी जहालतों के नमूने। मैं टीचिंग करता हूँ, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, अमेरिका गया मैं, कनाडा गया, इंग्लैंड गया मैं, जर्मनी में रहकर आया हूँ, मैं सिखों के साथ रहा, हिंदुओं के साथ रहा, यहूद ने मेरी दोस्त। पूछा तो उससे किसी ने, पूछा सर में दाम, सर पे बाल ले के क्या मच्छर की झांटे गुआ रखी है सर में। दो लड़कियाँ जो थी, एक लीजा मैरी थी। मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूँ। जी जी बताएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक हिंदू एक सिख अगर आपको मारेगा तो सबसे पहले स्वीट केक खिलाएगा, आपकी अवगत की जाएगी, और उसके बाद आपको जहर भी इतने प्यार से दिया जाएगा कि आप जहर इतना मीठा लगेगा आपको कि आपको मरने के टाइम पता चलेगा कि आप मर चुके हैं। हे खुदा, हे प्रभु, उठा ले, जल्दी उठा ले, मुझको नहीं इस जैसे जाहिल को उठा ले। मतलब बंदा मर जाएगा, उसके बाद उसको पता लगेगा कि मैं मर गया। वाह, और ये भाईचारे वाला ना चूरन तुम लोग खिलाते हो, ना कि कोई हिंदू या सिख, उनके लिए दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त तो दोस्त, समझ गए, तुम लोग याद थे हैं। ये हिस्ट्री भी है, पूरी हिस्ट्री पढ़ के देख लो। जो है इंडिया की इंटेलिजेंस है, मारखोर उनको मार देते हैं। सीमा यादव को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सीमा, सारी जवानी तुमने बर्बाद कर ली, अगर मेरा इंटरव्यू देखोगी तो याद करना वो कौन था। सीमा, यो रिमेम्बर मी, आजाद बता रहा है तुमको, ये क्या है। अच्छा है ले हुआ कहाँ मिलते हैं ऐसे नमूने, कहाँ मिलेगा ऐसा एंटरटेनमेंट, कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में। क्या ये समझ जाओ, सवाल आपसे करते हैं। आज हम जिस प्रोग्राम पर, जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि 76 इयर्स हो गए हैं हमें एक आजाद मुमलिकत बने। आज इन 76 इयर्स में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, पाकिस्तान की खवातीन पेश नहीं हो सकती। सोनिया विस्की का पैक भी बड़ा अच्छा बनाती है, डांस बड़ा अच्छा करती है, और वो अंग्रेज को जो है ना ऐसे पेश करती है, एक ड्रिंक देती है और खाना खिलाती है। वहाँ डॉलर्स आ रहे हैं, यूरो आ रहे हैं, हार्ड करेंसी आ रही है, और बड़े प्यार से डेवलपमेंट। बेटा तू सोनिया गांधी की बात कर रहा है तो उससे पहले सुन ले, हमारे देश में महिलाओं की इज्जत भी की जाती है, ठीक है ना। और हम जो भी बोले, तेरे जैसे जाहिल और तेरे जैसे जो सामने खड़ी है ना, ये यहाँ के पैसों के लिए, डॉलर्स के लिए अपना ईमान धर्म प्यार मोहब्बत में फंसे हुए इंडियंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लव यू जानू करने वाले ये लोग, सिर्फ किसके लिए, इसके लिए, समझ गया। तो कंपेयर उससे मत करो, शी इज अ वुमन, पार्लियामेंट की सदस्य है वो इंडियन है ये, समझ गए। तो उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देख लो कि तुम्हारी क्या करती है। तुम तो बेच देते हो 700 डॉलर में, डॉलर्स के लिए ये अपने देश को नंगा कर देती हैं। डॉलर्स के लिए पति होते बच्चा होते हुए भी कितने सालों को प्यार देती हैं, पैसों के लिए हलाला के साथ दिवाला भी कर लेती हैं। तो अपनी कंपैरिजन हमारे यहाँ के मत करो, समझ गए। जो तुम लोगों की हरकतें हैं वो यहाँ पे नहीं चल, हलाला चचा लापा पहला पैसों के लिए, तो फिर वो कुछ होता है ना, वो निकाह मुत्ता है ना, निकाह मुत्ता होता है ना, कुछ पैसे दो एक हफ्ते एक महीने के लिए। लुक हुज टॉकिंग, कौन बोल रही है। बोलने से पहले सोच लिया करो, अगर इतनी खुजली है तो जितनी तुम्हारी यूट्यूबर्स लड़कियां हैं हटवाओ, क्योंकि तुम्हारी इनको तुम्हारी ISI सो कॉल्ड आर्मी ने बिठा रखा है इंडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए, यहाँ से पैसे लेने के लिए, सुपर चैट स्नैप क्या क्या करवाने के लिए, सुपर थैंक्स करवाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तुम्हारी सो कॉल्ड नंबर वन ISI, तुम्हारी सो कॉल्ड नंबर वन आर्मी, तो बेटा सर पे चार मच्छर की झांटे लगाने से तेरे अंदर दिमाग नहीं आ गया है,
तेरे से अच्छा टीचर तो मेरे यहाँ की गली का कुत्ता होगा, तो उससे अच्छी नॉलेज होगी उसको। डेवलपमेंट में ये कहना चाहता हूँ कि इन 75 इयर्स में अफसरशाही इस मुल्क को खा गई है। सारे सरकारी अदारे करप्ट हैं, जज भी बिके हुए हैं, अदलिया अदारिया येलो जर्नलिस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। येलो जर्नलिस्ट का मतलब है जर सहाफत, जो लोगों से पैसे लेते हैं, पहले कैमरा मारते हैं, बाद में कहते हैं 5,000 रुपया दे दो। तेरे सामने खड़ी है एक तो और बहुत सारी आएंगी, और तेरी हरकतों से ना, तेरे बॉडी लैंग्वेज से तू मेरे को कुछ और ही लग रहा है। कहीं तेरी तीसरी टांग नली तो नहीं है? येलो जर्नलिस्ट को भी खत्म करना पड़ेगा। एक मजदूर पर झोंपड़ी वाले के पे कैमरा नहीं मारा जाता, एक अफसर के लिए प्रोटोकॉल दिया जाता है 1,00,000 रुपया 50,000 रुपया, जहाँ वहाँ से जाके जर्नलिस्ट ले लेते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। लेकिन एक रक्षे वाले पे और रेडी वाले पे कैमरा नहीं मारा जाता। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी सहाफत है? ये पाकिस्तान के अफसरशाही जो सरकारी अदारे क्या कर रहे हैं? FIA 1,00,000 रुपया भरती है डेली, ये सरकारी चोर अपनी जेबें भर के चले जाते हैं। इन 75 सालों में हमको क्या मिला होता? बाबा जी का ठुल्लू, बहुत सारी बेइज्जती, 9 नंबर का जूता, पिछवाड़े पे कोयले से भरा हुआ तसला। यही सवाल तो मेरा है कि इन 75-76 सालों में हमने क्या हासिल किया? हमारे नौजवानों ने इतना खून बहाया, अपनी जानों के, अपने खून के नजराने दिए, तो आज देखें इंडिया दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। तुम्हारे कौन से जवान ने खूनों के नजराने जाने दिए, पहले बताओ। मैं भीख में मिला तुम्हें पाकिस्तान, जाहिलो वो सिगार जैसे जिंदा ने कुछ जाहिलों को लेके बनाया पाकिस्तान, तो भीख में मिली हुई चीज, वैसे भी भीख में मिली हुई चीज की कोई इज्जत नहीं होती, वैसे ही तुम लोगों ने 22 करोड़ का मुल्क बना तो लिया। बच्चे अल्लाह की देन है, लेकिन इनको चलाने के लिए तुम्हें मिलता है ना हर जगह से, जहाँ सॉरी बेइज्जतियाँ, गेट आउट पाकिस्तानीज, तुम्हारे बिरादर मुल्क हैं, तुम्हें घास नहीं डालते, फिर भी कहते हो हम अफजल कौम है, अफजल कौम है, घर में ही होते हैं आटे नहीं, और बात करते फिर हमारे पास गाड़ी मिसाइल है, हम इंडिया की घंटियाँ बंद कर देंगे। खुद की बोलती बंद हुई पड़ी है, इंडिया की मंदिर की घंटियाँ बंद करेंगे। देखिए हर से इंडिया ग्रो कर रहा है, उनकी एजुकेशन देख रहे हैं, उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, और आज हम कहाँ खड़े हैं आपके सामने? इंडिया पाकिस्तान से कभी भी फाइट नहीं कर सकता, इंडिया एक बुजदल सी कौम है। जब बॉर्डर पे गोली चलाते हैं सिख, 8 PM रात को उन्होंने पी होती है। ये बताएं आप टीचर हैं, जब मैं क्रॉस फायर करता था तो सिख भाग जाते थे, कहते वीर जी गोली ना चलाओ। बेटा सिख ने जहाँ 2 पैग मार लिया ना, आंट पे ऐसी जगह गोली मारेगा कि हगना और आंट का छेद भी बंद हो जाएगा, समझ गया? और अगर याद ना हो तो कुछ चंद सिख थे कि जिसमें हजारों अफगानियों को कैसे बुरी तरह से रोका हुआ था, तोड़ दिया था, मरोड़ दिया था, कुछ सिख ही थे, कुछ सिखों ने ही तुम लोगों की नाकों से चने चबवा दिए थे। और सिख सिख एक सिख की फोटो ये भी देख ले, एक सिख ने 93,000 को नंगा करके उनके पिछवाड़े पे तीखा कुर्मा लगाया था। तो बेबी, अबे तू तो बेबी बोलने ने, बाबा ये बोलने लायक नहीं है, मच्छर की झड़ के बाल, हाउ इज अ कुर्मा। आपने किताबें लिखी हुई हैं, आपने बड़ा इंटरनेशनली विजिट किया। मैं झंडू को देख के लगता है कि इसने किताबें लिखी होगी, इसने जहालत लिखी होगी, कम से कम सोच समझ के तो सवाल कर, सच में तेरा दिमाग घुटनों में ही है। मैंने कनाडा देखा है, मुझे 4 ज़बानें आती हैं। डेवलपमेंट पे बात कर रही हूँ, आप सीमा गोलियाँ कहाँ निकली जा रहे हैं? इतनी सारी ज़बानें सुन रखी आती हैं, मेरे को ट्रांसलेट करके बुलवा दे, बोलता हूँ कितनी बचेगी तेरे को सुन। आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करना चाह रही हूं? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये अफसरशाही इस मुल्क को खा गई है, मुझे इसी सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। आपने बोला कि इंडिया हमारे आगे कुछ नहीं है, इंडिया की टांगे कांपती हैं, ये है वो है, इंडिया हम पे हमला नहीं कर सकता। आज की जो जंग है वो मौशियत की जंग है, गन्नों बंदूकों और ये हथियारों की जंग नहीं है, बॉम्ब्स की जंग नहीं है, ये एजुकेशन की जंग है, साइंस की जंग है, टेक्नोलॉजी की जंग है, मौशियत की जंग है, और आपको नहीं लगता कि जंग में भारत जो है वो जीत है? ए बीबी सुन ले बात मेरी, इस मीठे को ये तो समझा दे, अभिनंदन को 24 घंटे नहीं रख पाए थे, टांगे कहाँ पर थी, कहाँ पे टांग दी थी, सॉरी कहाँ पे टांग दी थी, जंग करोगे तुम? 99 बाबूजी जंग बंद करवा दो, हमारी तो फट के 64 हो चुकी है, कहाँ पहुँच गए थे? 65 में पिछवाड़ा दिखा के भागे थे, जैसे पिछवाड़े पे किसी ने जलता हुआ कोरमा फेंक दिया हो। 93 में सबको नंगा करके लाइन से सबके पिछवाड़े में तीखे वाला कोरमा लगाया गया था, नहीं समझते? 48 में ऐसी हार पे भी इनको इतना घमंड है, तो ऐसी जीत पे हमें इतना घमंड क्यों नहीं होना चाहिए? प्राउड टू बी इंडियन। ने एटम बम बनाया, इंडिया ने उसे प्रेसिडेंट बना दिया। अच्छा। पाकिस्तान में कोई एटम बम बनाता है उसे कैद कर दिया जाता है,
उसके हाथ काट दिए जाते हैं। कोई इंजीनियर बनता है वो अमेरिका चला जाता है। पाकिस्तान में अफरादी कुव्वत नहीं है, ये अफसरशाही सबको खा जाती है। अब आप देखें कि इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, उनके साइंटिस्ट चांद पर पहुंच गए हैं, हम आज कहां खड़े हैं मुझे बताएं। हम इसी बात पर खुश हैं कि जी हमारे झंडे में चांद है, और जब हम IFM से बजट लेते हैं तो हम 40 करोड़ का झंडा तैयार करने निकल जाते हैं। आप माशाल्लाह से टीचर हैं, आपको इन चीज़ों का इलम नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अबे इसको ये नहीं पता इसकी बीवी किसके साथ सोती है रात को, तो इसको इसका घंटे का इलम होगा। इसको ये नहीं पता इसके बच्चे अपने हैं कि पड़ोसी के। हमसे अगर 50 साल भी आगे निकल जाए तो अल काफरीन हमसे फिर भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पाकिस्तानी होने पे फख्र है, हम अपने मुल्क में खुश हैं। सर, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और वो बड़ी अच्छी और खुशहाल जिंदगी। दीदी आप तो कुछ और बोल रही थी, अपनी बात से खुद पलट गई, एक नंबर की पलटू है। बिन पेंदे की लुटी जहां मर्जी लुटक जाती है, व्यूअरशिप के लिए उधर, पैसों के लिए इधर, गलत बात। मुसलमान तो पाकिस्तान आए नहीं थे और आज इस बात पर खुश हैं कि हमारे अबाओ अजदाद ने बड़ा अच्छा फैसला किया, वरना हम भी कटोरा लेकर फिर रहे होते। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया के मुसलमान हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तान आए हम उनकी खिदमत करेंगे, हमारे पास सिख आ जाए इंडिया के वो भी कोई मसला नहीं है, सिख भी हमारे भाई हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितना भी अदारिया है, ये अदलिया है, ये वकील जो है सरकारी, ये सारे बिके हुए हैं। आप किस बात मस्जिद की बात करती हैं, सरकारी अफसर शाही, ये सारे सरकारी महकमे चूक। ले जा हैदम, जो बच्चे कुछ बाल भी ना गंदे तेरे सर पे, वो भी चप्पल मार मार के उधेड़ देंगे, समझ गया? वो गलती से पहुंच गए ना, अभी तो आटे के लिए भुखमरी पहुंच रही है, फिर वहां पे रहने के लिए भुखमरी मरेगी, फिर एक दूसरे को काटते पाटते फिरोगे, मेरे को रहने के लिए जगह चाहिए। क्योंकि तुम साइकिल की घंटियों पर तो बच्चे पैदा कर लेते हो, कहते हो अल्लाह की देन है, तो उनके रहने के लिए तो जगह तो चाहिए, तो मारो काटो, जगह बनाओ, आने वाले हैं, जब मारो काटो, लेके जाओ यहाँ से। सवालों का जवाब कौन देगा? घूमते पाकिस्तान सारी बिकी हुई है, इमरान खान को कैद कर दिया गया, आप सच बोलेंगे आपको मार दिया जाएगा, आपकी मौत हो जाएगी, घंटा मौत हो जाएगी, इसको कोई टच नहीं कर सकता। गनमैन लेके घूमती है, तू भी टच करके देख ले, अभी तेरा सर धड़ से जुदा मिलेगा, फिर ही किनारा आएगा, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, समझ गया? तेरे को ब्लास्फेमी के केस में तेरे को भी टांग दिया जाएगा, ये तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। आजादी मना रहा है, आपको पता है अफगानियों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो सफाई हस्ती से मिट जाए, निस्तो नाबूद हो जाए और एक बार पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान, ये कहना है उनका। क्या आपको लगता है हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो वक्त करीब है कि पाकिस्तान दोबारा हिंदुस्तान में मर्ज हो जाएगा? ये कभी नहीं हो सकता, पाकिस्तान को बचाने वाले बहुत ज्यादा हैं, हमारा बच्चा बच्चा जो है वो मार देगा जाकर उनको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले बंदे को लालच दिया जाता है, यहाँ से थाईलैंड बैंकॉक लिया जाता है, इंडिया का एक सेंटर है कोबरा सेंटर पंजाब रेजिमेंट का, जहाँ पे कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है और 2 करोड़ रुपया देकर उसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान भेजा जाता है। और ये जो इंडिया सियासत लड़ा रहा है, पाकिस्तान पे हमले करवा रहा है, बम ब्लास्ट करवा रहा है, 6 माह की ट्रेनिंग दे रहा है, इंडिया कोबरा बटालियन दे रही है, NSC दी है, पंजाब में बहुत बड़ा सेंटर है, इंडियन कमांडो सेंटर है कोबरा का, जो कि पाकिस्तान टेररिस्ट तैयार करके भेजता है, जो सबसे ज्यादा अफगानिस्तान से आते हैं, 17 अंबेसियां अफगानिस्तान में हैं, और जहाँ से बंदा ट्रेंड करके पाकिस्तान में भेजा जाता है, इंडिया से बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ भेजी जाती हैं जिनमें ज्यादातर का नाम सोनिया। तभी तो UN डेजिग्नेटेड 147 से 137 टेररिस्ट तुम्हारे यहाँ पे रहते हैं, आए दिन तुम्हारे यहाँ बम ब्लास्ट होते हैं, आए दिन तुम्हारे यहाँ पे ब्लास्फेमी के केस में किसी भी नॉन मुस्लिम का घर, दुकान, मकान, चर्च हो चाहे मंदिर हो, तोड़ दिए जाते हैं। तभी तो ये लोग सोशल मीडिया पे इंडियंस को फंसाती हैं, तभी तो हनी ट्रैप में DRDO को, साइंटिस्ट, इंडियन आर्मी के लोगों को और हमारे कुछ सचिन जैसों को सोना बाबू प्यार के चक्कर में फंसाती हैं। इंडियन है ना, किसी का नाम सना, किसी का शायला, किसी का नायला, कोई रिबाहा तो कोई मैविश, ये लोग तो 50 मीटर बुरखे में बैठ के क्यों फंसे हुए हैं? हकीकत बता रहा हूँ, आप कहती है सच बोलो, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मीडिया दुनिया चांद पर पहुंच गया और हमारे पाकिस्तानी सोनिया हैदर से ही नहीं निकल पा रहे। इस जाहिल को अभी तक ये नहीं पता सोनिया हैदर या सीमा हैदर है, क्या होगा पाकिस्तान का, जो होगा बचेगा ही नहीं है। मैं आपको यही तो बताना चाहता हूँ कि एक गरीब बंदे को इंसाफ ना कल मिला ना आज मिलेगा, हम चले जाएंगे हमारे बाद कोई और आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा, पाकिस्तान को कुछ नहीं होता, आप इस चीज़ की फिक्र। पाकिस्तान को कुछ नहीं होता, 75 सालों में
टांगों से नुन्नू पे आ चुका है, 75 साल में कुछ नहीं होगा। भाई आप लोगों का क्या कहना है उदड़े चमन और इस 72 करोड़ के सरदार का जिसका दिमाग घुटनों में है, अपनी ही बात से खुद पलट जाती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर रंजी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।